सभी को हमारा आज का हीरो इंडियन सुपर लीग के फाइनल मैच पर हैदराबाद एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर्स पतोरदा स्टेडियम से आज का ये प्रेडिक्शन हम लोग करने जा रहे हैं फाइनल मैच का। दोनों टीमों के प्लेयर्स पूरी रेडी और तैयारी के साथ यहाँ पे पिच पे उतर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टीम्स के गोलकीपर्स, प्रभुशुकन गिल बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर है, बहुत ही, और कट्टी मनिका मैं क्या ही बताऊँ, फाइनल लास्ट लेग पर एटीके मोहन बगान के अगेंस्ट पे बेहतरीन सेव्स किए हैं। यहाँ पे कट्टीमणि ने अकेला पूरा मैच को पकड़ के रखा था, जिसके कारण मैं कहूंगा हैदराबाद आज फाइनल खेल रहे हैं। यहाँ पे लाइनअप देख लेंगे हैदराबाद का फाइनल मैच पर, बार्थोलोमियो गोमेज और एडू गार्सिया, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे पीछे कट्टीमणि, चुआनान, चिंगनेसणा सिंह सेट टीम खिला रहे हैं। यहाँ पे दोनों टीम, शायद केरला ब्लास्टर्स का भी हम लोग सेट टीम देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। अल्वारो वास्कुएस सामने से प्रशांत के साथ, पीछे प्रभुशुकन गिल, एनएस सिबोविच, संदीप सिंह, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डिफेंडिंग लाइनअप मैं कहूँगा केरला ब्लास्टर्स का। लेकिन क्या ये डिफेंडिंग लाइनअप जो है ये केरला ब्लास्टर्स का बार्थोलोमियो गोमेज को रोक पाएंगे, हम लोग जरूर देख लेंगे। यहाँ पे शुरू कर रहा है फर्स्ट हाफ फाइनल मैच का यहाँ पे आईएसएल का इस सीजन पर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताइए कि आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या हैदराबाद एफसी जीत पाएंगे या केरला ब्लास्टर्स जीत जाएगा। और छह मैचेस इन दोनों टीमों के बीच हुआ है, जहां से दोनों टीम ने तीन तीन करके मैचेस जीते, कोई भी मैच है लेकिन ड्रॉ नहीं हुआ है। आज ड्रॉ होगा तो जरूर हम लोग को पेनल्टी तक देखने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पे कोई भी टीम, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कोई भी टीम प्लेयर्स कभी नहीं चाहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम तक खेल जाए, क्योंकि वहाँ पे एक अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाता है। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि ये दोनों टीमों के बीच में एक टक्कर देवा मुकाबला, क्योंकि एटीके मोहन बगान को हरा के हैदराबाद एफसी फाइनल पर आए हैं, तो ज़रूर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा ये टीम्स में, ये हैदराबाद एफसी में। और केरला का क्या कहूँ, जमशेदपुर एफसी द लीग लीडर्स, द सीजन शील्ड विनर्स को हरा के फाइनल पर आए हैं, उनके पास भी बेहतरीन कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। दोनों टीमों के बीच में हम लोग को ज़रूर एक टक्कर देवा मुकाबला यहाँ पे देख पाएंगे आज। यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स इन पोजिशन, गोल किक से सहेल का पास, आयुष अधिकारी का सीधा पास गलत। यहाँ पे चिंगनेसणा सिंह से मोहम्मद यसीर, हैदराबाद एफसी इन पोजीशन, पास करता हुआ एडू गार्सिया के लिए, वहां पे एडू गार्सिया ओपन है, बार्थोलोमियो ओगोमेज भी पीछे रेडी, ओगोमेज का पास, बॉल शॉट लिया, ओगोमेज का पहला शॉट इस मैच का, लेकिन ऑन टारगेट नहीं रख पाए। प्रभुशुकन गिल को कोई परेशानी नहीं इस बार, एडू गार्सिया को ये स्पेस जो दिए थे केरला का डिफेंस, इसके लिए उनको जरूर भरपाई करनी पड़ेगी। अगर ऐसा स्पेस देते रहते हैं एडू गार्सिया और एडू बार्थोलोमियो ओगोमेजे को, क्योंकि ये दोनों बहुत ही खतरनाक दोनों प्लेयर्स हैं, अटैकिंग मिडफील्ड पर बीस्ट के तरह खेलते हैं यहाँ पे एडू गार्सिया, और बार्थोलोमियो ओगोमेजे एज अ पोचर वहाँ पे बेहतरीन खेलते हैं। यहाँ पे बेहतरीन पास, अल्वारो वास्कुएस से प्रशांत का शॉट, बार पोस्ट पे लगते हुए, कट्टीमणि का बैक पीठ पर लगते हुए बॉल क्लियर होगा, ये किसने सोचा था। पहला गोल आते आते रह गए यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के लिए। बेहतरीन खेल, सहेल का क्रॉस, अल्वारो वास्कुएस का हेडर, लेकिन ऑन टारगेट नहीं, कोई परेशानी नहीं इस बार कट्टीमणि को, लेकिन प्रशांत का वो शॉट कट्टीमणि को जरूर थोड़ा खलबली मचा दिया था वहां पे हैदराबाद का डिफेंस डी बॉक्स के अंदर। ऐसे गेम प्लेस प्रशांत और अल्वारो वास्कुएस का जो मेल मिलाप है, जो जूटी है, हम लोग देखे हैं इसके पहले भी, बेहतरीन तरीके से इन दोनों के बीच में वो तालमेल नजर आता है, जिसके कारण गोल्स आते हैं, बेहतरीन पासेस आते हैं और बेहतरीन असिस्ट भी आते हैं, हम लोगों ने देखा है ये पूरे सीजन पर। यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स अभी भी इन पोजीशन, प्रशांत के पास बॉल, पीछे करता हुआ प्रशांत, हरमनजोत खाबरा का सीधा पास गिफ्सन सिंह के लिए, गिफ्सन सिंह से छीन लिया वहां पे बॉल, एडू गार्सिया बार्थोलोमियो ओगोमेजे सामने से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन एडू गार्सिया सिंगल मैन रन थ्रू पास देता हुआ बार्थोलोमियो ओगोमेजे के लिए, लेकिन एनएस सिपोविच वहां पे इंटरसेप्ट तो किया था लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। थ्रो इन मिलेगा यहाँ पे हैदराबाद को, आशीष राय थ्रो देता हुआ मोहम्मद नसीर के ऊपर, निशु कुमार का बेहतरीन सुपर टैकल, बॉल वापस गलत, लेकिन एनएस सिपोविच तुरंत गलती को सुधारते हुए। यहाँ पे आयुष अधिकारी का सीधा पास, अल्वारो वास्कुएस डिस्पोजेस हो गए जुआनान द्वारा, जुआनान का गलत पास ले लिया वहां पे वापस अल्वारो वास्कुएस,
अल्वारो वास्कुएस से छीन लिया वहां पे केरला ब्लास्टर्स। यहाँ पे बॉल पोजीशन पे रखने की प्रॉब्लम दोनों टीमों के तरफ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जाओ विक्टर ले लिया है लास्ट मोमेंट पर बॉल हैदराबाद एफसी के लिए, थ्रू पास मोहम्मद यसीर को पास बॉल, लेकिन प्रभु शुकन गिल मोहम्मद यसीर का फर्स्ट टाइम टच थोड़ा हैवी था जिसके कारण कंट्रोल नहीं रख पाया, और प्रभु शुकन गिल रेडी थे वहां पे, कोई परेशानी नहीं हैदराबाद को, केरला ब्लास्टर्स को। हैदराबाद का पास यहाँ पे क्लियरेंस बॉल चला जाएगा थ्रो इन केरला ब्लास्टर्स के लिए। यहाँ पे पास करता हुआ केरला ब्लास्टर्स, यहाँ पे गिब्सन सिंह के ऊपर एक बेहतरीन टैकल शौभिक चक्रवर्ती, हैदराबाद एफसी आगे बढ़ रहे। यहाँ पे बार्थोलोमेउ ओगोबेचे के पास बॉल, बेहतरीन पास पीछे आने के जादव के पास बॉल और शॉट, क्या देखा यहाँ पे, ओ माय गॉड, इतना अच्छा चांस मिला था, बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड बार्थोलोमेउ ओगोबेचे का, शौभिक चक्रवर्ती वहां पे ओपन नेट 1:1 मिस कर दिए, इतना अच्छा चांस मिला था लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल पे, ये जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद एफसी। शुरुआती मोमेंट्स पर केरला ब्लास्टर्स के लिए हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अटैक पे जैसे ही जा रहे हैं थोड़ा घातक प्रमाण हो रहा है। यहाँ पे पास करता हुआ अनिकेत यादव के पास बॉल, अनिकेत यादव के पास, लेकिन वहां पे मनजोत खाबरा बॉल को रिसीव करते हुए सहल, सहल का पास ललथंगा, यहाँ पे पास देते हुए प्रशांत को, प्रशांत से सहल, दोबारा से यहाँ पे कैप्टन सहल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हरमनजोत खाबरा का चिप पास, बेहतरीन प्रशांत के पास बॉल, शॉट लिया और ऑन टारगेट नहीं, बेहतरीन असिस्ट वहां पे मैं कहूंगा सहल से हरमनजोत खाबरा, और हरमनजोत खाबरा पिन पॉइंट एक्यूरेट पास सीधे प्रशांत के पास, बेहतरीन रिसीव किया था प्रशांत ने वहां पे, लेकिन फिनिशिंग थोड़ा बुरा था जिसके कारण ऑन टारगेट नहीं रख पाए और केरला ब्लास्टर्स यहां पे एक चांस गवाता हुआ। यहां पे हैदराबाद एफसी के अगेंस्ट पे केरला को ज्यादा चांसेस मिलने नहीं वाला है इस डिफेंस के आगे जो कि हम लोगों ने देखा है, लेकिन जो चांसेस मिलता है उसे जरूर कन्वर्ट करना पड़ेगा केरला को जीतने के लिए। यहां पे थ्रू पास बार्थोलोमेउ को भेजे और ये डेडलॉक को तोड़ते हुए इस मैच में ओपनिंग गोल इस फाइनल मैच का डाक चुके हैं बार्थोलोमेउ को भेजे, एक गोल का लीड मिलता हुआ यहाँ पे हैदराबाद एफसी को, केरला ब्लास्टर्स प्रेशर पे आता हुआ। शुरुआती मोमेंट्स पर हम लोग देखे हैं ऐसे थ्रू पासेस बार बार आ रहे थे लेकिन ऑन टारगेट नहीं थे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं हैदराबाद द्वारा और बार्थोलोमेउ ओगोबेचे द गोल्डन मैन ऑफ हैदराबाद एफसी, द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस सीजन हीरो इंडियन सुपर लीग, दोबारा से अपने आप को प्रूव करता हुआ यहाँ पर बेहतरीन खेल और एक गोल से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे 17 मिनट पर केरला ब्लास्टर्स पीछे सीधे पास अल्वारो वास्कुएस से प्रशांत, प्रशांत से पीछे ललथंगा का बेहतरीन पास था लेकिन इंटरसेप्शन उससे भी बेहतर क्लियरेंस वहां पे ले लिया है बार्थोलोमेउ ओगोबेचे के लिए बॉल, बार्थोलोमेउ ओगोबेचे क्रॉस, वहां पे संदीप सिंह मौजूद, आयुष अधिकारी से ललथंगा। यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स का मैं थोड़ा स्टैट्स आप सभी को बताना चाहूंगा, इस सीजन में केरला ब्लास्टर्स ने 22 मैचेस खेले हैं जिनमें से 10 जीत हासिल किया है, 4 मैचेस हारे हैं, 8 ड्रॉस किए हैं, और अगर मैं गोल्स की बात करूँ यहाँ पे 36 टोटल गोल्स 22 मैचेस पर यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स ने किया है, और मैं कहूंगा कि यहाँ पे 25 गोल्स खाए भी है जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे गोल डिफरेंस 11 मैचेस का और ओन गोल 1 किए हैं, जो गलती शायद इस फाइनल पे नहीं करना चाहेंगे ओन गोल की गलती। वहाँ पे एक टैकल हैदराबाद द्वारा, रेफरी वहाँ पे वार्निंग देके छोड़ रहे हैं इस बार हैदराबाद एफसी के मोहम्मद यसीर को, कैसे टैकल किया था देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे बेहतरीन टैकल करने की प्रयास था, वहाँ पे बॉल को पहले टच किया लेकिन लेट क्लिंच वहाँ पे जिसके कारण रेफरी ने फाउल दिया है। यहाँ पे फ्री किक ले रहा है सहल, कैप्टन ऑफ केरला ब्लास्टर्स, एनएस सिपोविच के पास बॉल, यहाँ पे हेडर और कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं देते हुए यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स कट्टी मनी को और ले रहे कॉर्नर, यहाँ पे संदीप सिंह कॉर्नर पर मौजूद, क्रॉस अल्वारो वास्केस मौजूद वहां पे लेकिन जोनान का क्लियरेंस सहल तक, सहल के पास बॉल, सहल से निशु कुमार बेहतरीन पास, संदीप सिंह का क्रॉस, अल्वारो वास्केस का हेडर लेकिन ऑफ साइड पर थे शायद वहां पे प्रशांत, यस
प्रशांत को एल्वारो वास्क्वेस का हेडर जाके लगा प्रशांत को, जो कि ऑफ साइड पर थे। और यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को दूसरा मौका गंवाते हुए यहाँ पे इस मैचेस पे। हैदराबाद एफसी का स्टैट्स मैं थोड़ा डिस्कस कर लूंगा अभी। हैदराबाद एफसी जो है यहाँ पे 12 मैचेस जीते हैं, 22 मैचेस में से 5 हार 5 ड्रॉज इक्वल। और ये मैं जरूर कहूंगा, हैदराबाद एफसी 46 गोल्स दागे है एट ऑलमोस्ट डबल जितने मैचेस खेले वो मैचेस से पूरा डबल, और सिर्फ 25 मैच गोल खाए हैं, जो कि 21 का गोल डिफरेंस जीडी जो है वो 21 का गोल डिफरेंस है, और एक ओन गोल किया है यहाँ पे इस सीजन पर। तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों टीमों के बीच में, दोनों फाइनलिस्ट के बीच में अगर हम लोग चेक करते हैं तो गोल दागने में हैदराबाद एफसी आगे है, गोल कंसीव जो किए हैं उसमें दोनों टीम समान है, कोई भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एक ही है गोल कंसीव्ड में, 25-25 करके गोल खाए हैं यहाँ पे दोनों टीम्स ने इस सीजन में। और यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के पास एक चांस, क्या ले पाएंगे, लेकिन नहीं, जोनान वहाँ पे क्लियर करता हुआ, थ्रो इन मिलेगा वहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को। जो कि मैं कह रहा था यहाँ पे कि दोनों टीमों की, दोनों फाइनलिस्ट के बीच में एक गोल दागने का एक ज़्यादा हम लोग डिफरेंस देख पाए, जो कि गोल डिफरेंस है ज़्यादा है 46 गोल्स, और यहाँ पे सिर्फ 36 गोल्स, 10 गोल का डिफरेंस यहाँ पे बहुत होता है हम लोग जानते हैं फुटबॉल पर। निशु कुमार के पास बॉल, केरला ब्लास्टर्स इन पोजीशन, पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे दूसरा इक्वलाइजर डालने की, यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स से छीन लिया है, और बार्तलेमी ओगोमेच आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पास चिप, सौविक चक्रवर्ती बॉल ले लिया, यहाँ पे सौविक चक्रवर्ती का थ्रू पास, लेकिन एनएस सिबोविच कलेक्ट करेंगे वहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं इस बार केरला ब्लास्टर्स को। गिब्सन सिंह के पास बॉल, सीधे एल्वारो वास्क्वेस का बेहतरीन टर्न रिसीव, पास करता हुआ प्रशांत के लिए बॉल, लेकिन कट्टी मनी वहां पे पहले से मौजूद, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे हम लोग थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पे हैदराबाद को, मोहम्मद यासीर का पास सौविक चक्रवर्ती के लिए, पास करता हुआ मोहम्मद यासीर को दोबारा से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्लॉक निशु कुमार द्वारा, लेकिन मोहम्मद यासीर के पास अभी भी बॉल, थ्रू पास सौविक चक्रवर्ती का टर्न, जाओ विक्टर से बार्तलेमी ओगोबेचे, यहाँ पे थ्रू पास अनिकेत जाधव के लिए बॉल, ले लिया अनिकेत जाधव ने, बेहतरीन तरीके से रखा है अपने पास, हरमनजोत खाबरा का प्रेशर, क्रॉस बार्तलेमी ओगोबेचे का हेडर, लेकिन सीधे प्रभु शुकन गिल के पास। अगर हम लोग अटैक्स की तुलना करें यहाँ पे इस गेम पर, हम लोग देख सकते हैं कि अभी तक मेरा ख्याल से हैदराबाद एफसी जो है वो बेटर अटैकिंग मोड पर नजर आए, जिसके कारण बार बार हैदराबाद एफसी जो है बार बार नजर आ रहा है डी बॉक्स में केरला ब्लास्टर्स का, जो कि मोर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे केरला ब्लास्टर्स के ऊपर। केरला ब्लास्टर्स को बैक फुट पर ढकेलते हुए यहाँ पे थ्रो इन अनिकेत जाधव, अनिकेत जाधव का बेहतरीन टर्न पास एडू गार्सिया के लिए, एडू गार्सिया का पास, लेकिन वहां पे एनएस सिबोविच मौजूद, एनएस सिबोविच का क्लियरेंस जाओ विक्टर तक, जाओ विक्टर का लॉन्ग रेंज प्रयास, लेकिन वहां पे कॉर्नर मिलेगा हैदराबाद को, एक डिफ्लेक्शन था, ऑन टारगेट शॉट शायद होता, लेकिन वहां पे एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक मैं कहूंगा, जिसके कारण डिफ्लेक्शन मैं कहूंगा, जिसके कारण बॉल चला गया है थ्रो इन। यहाँ पे कॉर्नर को रोकना चाहिए था प्रभु शुकन गिल को, लेकिन नहीं रोक पाए, यहाँ पे ले रहे कॉर्नर एडू गार्सिया का क्रॉस, और सीधे सहेल के पास, कोई गलती नहीं करता हुआ सहेल पास किया है निशु कुमार से, यहाँ पे एल्वारो वास्क्वेस से प्रशांत का थ्रू पास एल्वारो वास्क्वेस के लिए, यहाँ पे स्पेस मिलता हुआ एल्वारो वास्क्वेस का पास प्रशांत के लिए, लेकिन वहां पे जोनान मौजूद, पीछे कट्टी मनी को बॉल देता हुआ, और यहाँ पे कट्टी मनी का एक मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक को सुधार नहीं पाए, ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम्स अगर करते हैं तो फाइनल पर मैच गवा सकते हैं यहाँ पे हैदराबाद एफसी। केरला ब्लास्टर शॉट कॉर्नर लेते हुए निशु कुमार से वापस संदीप सिंह अपने पास बॉल रखते हुए क्रॉस एल्वारो वास्क्वेस का पीछे हेडर गिब्सन सिंह का पास, लेकिन वहां पे चिंगलेनसोना सिंह का क्लियरेंस, बार्तली मोगोविच और एनएस सिबोविच के लड़ाई, हेडर एनएस सिबोविच का लेंगे संदीप सिंह का पास गिब्सन सिंह से ललथंगा का पास, वहां पे ले लिया है बॉल हैदराबाद एफसी ने सौविक चक्रवर्ती का पास, लेकिन गिब्सन सिंह वहां पे केरला ब्लास्टर्स बॉल को वापस लेते हुए यहां पे अपने पास निशु कुमार बॉल रखने की प्रयास, बेहतरीन ड्रिबल, दोनों प्लेयर्स को एक साथ मात देता हुआ, लेकिन सौविक चक्रवर्ती को मात नहीं दे पाए, बॉल ले लिया सौविक चक्रवर्ती, हैदराबाद एफसी अंदर रन, लेकिन एनएस सिबोविच काउंटर अटैक को स्टॉप करेंगे तुरंत निशु कुमार।
निशु कुमार का थ्रू पास सीधे अल्वारो वास्क्वेस, बेहतर इंटर्न अल्वारो वास्क्वेस का, पास करता हुआ लालथंगा को प्रेशर डालता हुआ वहां पे जोनन वहां पे नहीं ले पाए, अल्वारो वास्क्वेस का पास, निशु कुमार का क्रॉस, मोहम्मद यसीर वहां पे कलेक्ट करेंगे, बेहतरीन डिफ्लेक्शन, बेहतरीन ब्लॉक मैं कहूंगा, बर्थली में होगा बेच पास सीधे, जाओ विक्टर का थ्रू पास वहां पे, अनिकेत जाधव को थोड़ा स्पेस मिलता हुआ, क्या यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, लेकिन नहीं, संदीप सिंह क्लियर करता हुआ वहां पे, आयुष अधिकारी से चला गया, प्रशांत का गलत पास, सौविक चक्रवर्ती से चला गया, एडुगर्सिया का थ्रू पास मोहम्मद यसीर, लेकिन वहां पे निशु कुमार ने ले लिया बॉल इस बार, लालथंगा से गिब्सन सिंह, केरला ब्लास्टर्स पूरा एंड टू एंड बैटल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लालथंगा का थ्रू पास, अल्वारो वास्क्वेस के पास मौका, यहाँ पे थ्रू पास देंगे क्या, नहीं, लेट थ्रू पास वहां पे अल्वारो वास्क्वेस का, लेकिन वहां पे चांस दोबारा से गवा बैठे, यहाँ पर एक टैकल देखने को मिला हैदराबाद एफसी का, निशु कुमार के ऊपर एक टैकल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सीधे बॉल पे टैकल किए थे और लेकिन लेट क्लिंच, यहाँ पे फ्री किक मिलता हुआ केरला ब्लास्टर्स को, 2 मिनट का एडेड टाइम, स्कोर लाइन हैदराबाद 1 केरला ब्लास्टर्स 0, वहां पे बेहतरीन शॉट और ये सेव देता हुआ कट्टी मानी, पहले मैच आईटीके मोहन बगान के अगेंस्ट पे बेहतरीन सेव्स दिए हैं और दूसरा बेहतरीन सेव, बेहतरीन फॉर्म पर है कट्टी मनी, वहां पे अपने टीम को एक गोल का लीड खाने से बचाते हुए यहां पे क्लियरेंस गिब्सन सिंह तक, लालथंगा आखिरी मोमेंट्स पर हम लोग देख रहे हैं केरला ब्लास्टर्स बेहतरीन तरीके से प्रेशर दे रहे हैं हैदराबाद के ऊपर, हैदराबाद के डिफेंडिंग लाइन पर, और यहां पे छीन लिया बॉल, जाओ विक्टर का पास सीधे एडुगर्सिया के लिए, लेकिन यहां पे फर्स्ट हाफ खत्म होता है, स्कोर लाइन हैदराबाद एफसी 1 केरला ब्लास्टर्स 0, बार्टलेम्यू ओगोबेचे का एक गोल आया है फर्स्ट हाफ में 18 मिनट पर, और स्टैट्स हम लोग देख लेंगे हाफ टाइम के बाद, हैदराबाद एफसी बहुत ही कम बॉल पोजीशन एंजॉय किए हैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे केरला ब्लास्टर्स 61% पोजीशन बॉल पोजीशन एंजॉय कर सके, और अगर हम स्टैट्स के बारे में बात करेंगे तो शॉट्स देख सकते हैं हम लोग, दोनों टीम का इक्वल शॉट्स लिए है, लेकिन हैदराबाद का 3 ऑन टारगेट, केरला का 2 ऑन टारगेट है, जहाँ से एक गोल दाग पाए हैदराबाद एफसी ऑन द बेटर हाफ में कहूंगा, गोल के हिसाब से पासेस देख सकते हैं 150 पासेस जिसमें से 127 पासेस सक्सेसफुल केरला ब्लास्टर्स का, और हैदराबाद का अगर हम लोग देखेंगे 80 में से 56 पासेस सक्सेसफुल, जो कि थोड़ा डाउन है क्योंकि पोजीशन नहीं रख पाए उतना, मिडफील्ड में उतना पासिंग फुटबॉल खेल नहीं पाए, केरला ब्लास्टर्स बेहतरीन डिफेंडिंग का प्रदर्शन देता हुआ यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सेकेंड हाफ शुरू करते हुए यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स। आप सभी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आपका क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए, क्या केरला ब्लास्टर्स द प्रेस्टीजियस आईएसएल ट्रॉफी को उठा पाएंगे या हैदराबाद एफसी पहली बार के लिए जीत जाएंगे, यहाँ पे जाओ विक्टर बॉल लेते हुए आगे शॉट ले पाएंगे, पास देता हुआ वहां पे सौविक चक्रवर्ती और ये गोल, शुरुआती मोमेंट्स पर सेकेंड हाफ के यहाँ पे बेहतरीन जाओ विक्टर का पास, सेल्फलेस पास वहां पे, वहां से जाओ विक्टर शॉट ले सकते थे लेकिन बिल्कुल सेल्फिश नहीं थे कैप्टन हैदराबाद का, पास दिया सीधे सौविक चक्रवर्ती को, बेहतरीन टैप इन गोल, वहां पे सेलिब्रेशन हम लोग देख सकते हैं, बहुत खुश हैदराबाद एफसी 47 मिनट के अंदर 47 मिनट्स पर दूसरा गोल दाग के 2 गोल का लीड मिल चुका है यहां पे केरला ब्लास्टर्स 2 गोल से पीछे, मतलब और ज्यादा प्रेशर यहां पे, हाफ टाइम टीम टॉक शायद काम नहीं कर रहा है यहां पे कोच है केरला ब्लास्टर्स का, हरमनजोत खाबरा ने ले लिया बॉल, बेहतरीन यहाँ पे ड्रिबल लेकिन जाओ विक्टर को कटा नहीं पाए, कट्टी मनी के पास बॉल, क्लियर करता हुआ सीधे आयुष अधिकारी, गिब्सन सिंह का पास अल्वारो वास्क्वेस का बेहतरीन टर्न, प्रशांत का शॉट वहां पे थोड़ा जल्दबाजी करता हुआ प्रशांत, नाखुश अपने आप से, सहल पीछे देख सकते हैं फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेशन से भरपूर है अभी केरला ब्लास्टर्स का कैप्टन सहल, पीछे देख सकते थे हम लोग रिएक्ट करता हुआ प्रशांत को शॉट पर, नाखुश यहाँ पे प्रशांत, अल्वारो वास्क्वेस का बेहतरीन प्रयास वहाँ पे एक असिस्ट दागने की लेकिन उस असिस्ट को अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए प्रशांत इस बार, कॉर्नर जरूर मिला है यहाँ पे, संदीप सिंह ले रहे हैं कॉर्नर, शॉर्ट कॉर्नर, हरमनजोत खबरा क्रॉस देने की प्रयास लेकिन आकाश मिश्रा को लगते हुए यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के पास बॉल, आयुष अधिकारी से गिब्सन सिंह,
ललथंगा वहां पे ले लिया है बार्थोलोम्यू ओगोबेचे, सिंगल वन मैन रन देने की कोशिश, वहां पे पोस्ट करते हुए पीछे पास किया था मोहम्मद यसीर का पास है डुगर्सिया, डेंजर मैन यहां पे बार्थोलोम्यू ओगोबेचे के ऊपर टैकल, निशु कुमार का बेहतरीन बॉल पोजिशन रखते हुए केरला ब्लास्टर्स, निशु कुमार के पास बॉल, निशु कुमार यहाँ पे अपने पास बॉल रखने की प्रयास और वहां पे थ्रो इन मिलेगा यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को, ले रहे हैं निशु कुमार केरला ब्लास्टर्स के लिए। और जैसे कि मैं कह रहा था यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा कंपेयर करें दोबारा से ऑफेंस साइड दोनों फाइनलिस्ट का, तो मैं कहूँगा यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स का जो ऑफेंसिव साइड रहा है इस सीजन पर वो थोड़ा कम है, जहाँ पे 207 अटेम्प्ट्स किए हैं ऑन टारगेट अटेम्प्ट्स 207 किए हैं पूरा सीजन पर, जिसमें से 96 ऑन टारगेट यहाँ पे एक फाउल हम लोग देख पा रहे हैं, और 96 टारगेट्स में से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गोल्स टोटल कॉर्नर्स मिले हैं 115 और यहाँ पे क्रॉसेस हम लोग देख सकते हैं ज़्यादा क्रॉसेस खेले, वहाँ पे एक बेहतरीन क्रॉस दे रहा था लेकिन वहाँ पे मोहम्मद यसीर का क्लियरेंस था सीधे अल्वारो वास्क्वेस के लिए, हेडर वहाँ पे ले लेंगे अनिकेत यादव, वहाँ पे एक स्पेस बार्थोलोम्यू सिंगल मैन वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मोहम्मद यसीर यहाँ पे शॉट और तीसरा गोल, इस बार मोहम्मद यसीर का सेलिब्रेशन बार्थोलोम्यू को कॉपी करता हुआ यहाँ पे बेहतरीन गोल, हैदराबाद एफसी यहाँ पे जीत चुके हैं बेहतरीन तरीके से, बार्थोलोम्यू का पास था वहां पे, पता था मोहम्मद यसीर पूरा ओपन, कोई मैन मार्किंग नहीं वहां पे मोहम्मद यसीर के ऊपर, जिसके कारण गोल दागे हैं प्रभु शुकन गिल को पूरा मात देते हुए, तीसरी बार इस मैच पर मोहम्मद यसीर का लेफ्ट फुटेड शॉट सीधे कॉर्नर पर, फार कॉर्नर पर, और यहां पे तीन गोल से आगे निकल चुके हैं हैदराबाद एफसी, क्या यहां पे कोई हिस्टोरिक कमबैक कर पाएंगे केरला ब्लास्टर्स, जरूर केरला ब्लास्टर्स का फैन पूरा चुप हो चुके हैं यहां पे, जहां पे हैदराबाद एफसी पूरी तरीके से तैयार ये आईएसएल का ट्रॉफी अपने हाथ में उठाने के लिए, क्या यहाँ पे केरल ब्लास्टर्स कुछ कर पाएंगे, यहाँ पे हैदराबाद एफसी को दूसरा इंटरसेप्शन, और जैसे कि मैं कह रहा था यहाँ पे गोल होने के पहले कि केरला ब्लास्टर्स का 207 अटेम्प्ट्स था इस सीजन पर, जहाँ में से 96 ऑन टारगेट, और जहाँ पे अगर हम लोग हैदराबाद का स्टैट्स देखें सेम, तो हैदराबाद ने इस सीजन पर 233 अटेम्प्ट्स लिया, जिसमें से ऑन टारगेट मैं कहूँगा 110, जो कि ये कहता है कि दोनों टीम्स जो है उनमें से हैदराबाद स्टैट्स के हिसाब से आगे है केरला ब्लास्टर्स के, और वही यहाँ पे हम लोग प्रूफ भी देख सकते हैं कि तीन गोल से आगे है, अटैक पे जब भी जा रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद एफसी तब भी कोई ना कोई परेशानी कर रहा है यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के डी बॉक्स के अंदर, यहाँ पे कट्टी मनी हैदराबाद एफसी का, चिंगलेंगसना सिंह से चला गया आशीष राय, यहाँ पे क्रॉसिंग एक्यूरेसी अगर हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग एक्यूरेसी हैदराबाद का क्या क्रॉसिंग एक्यूरेसी है 25%, जहाँ पे केरला का क्रॉसिंग एक्यूरेसी है 26%, जिसमें यहाँ पे आगे है थोड़ा, और यहाँ पे पासिस अगर हम लोग देख लेंगे ज़्यादा पासिंग फुटबॉल खेलते हैं केरला ब्लास्टर, 7,660 पासिस, जिसमें से पासिस कंप्लीट किया सिर्फ 70, और पासिस अटेम्प्टेड हैदराबाद का है 7,496, जिसमें 72 पासिस सक्सेसफुल हैदराबाद के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों टीम के तरफ से, क्योंकि दोनों टीम फाइनलिस्ट जैसे कि है, तो फाइनलिस्ट दोनों टीम के क्वालिटीज़ भी सेम रहेंगे हम लोग जानते हैं। हैदराबाद एफसी यहाँ पे अभी के लिए 63 मिनट्स के अंदर अंदर आगे है, बिल्कुल प्रेशर नहीं अभी हैदराबाद के ऊपर, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे पासिंग फुटबॉल खेलने में हैदराबाद। केरला ब्लास्टर्स ऑन द अदर हैंड बहुत ऊपर का एक पहाड़ जैसा स्कोर लाइन उनके सामने है, जो पार करने में बहुत मुश्किलें हो रहा है यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को, लेकिन फाइनलिस्ट है कुछ ना कुछ तो जरूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मोहम्मद यसीर का पास सीधे जाओ विक्टर का थ्रू पास एडू गार्सिया के लिए, वहां पे बार्थोलोम्यू ओगोबेचे के लिए थ्रू पास, लेकिन अल्वारो वास्क्वेस के पास बॉल सीधे क्लियर करता हुआ कट्टी मनी के पास, वहां पे मिडफील्ड से कट्टी मनी आगे बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं, पास किया चिंगलेंगसना सिंह को, कोई रिस्क नहीं लिया यहाँ पे, यहाँ पे सहेल ने ले लिया है बॉल, वहां पे एक मिस्टेक और मिस्टेक की भरपाई करनी पड़ी तुरंत हैदराबाद एफसी को,
केरला ब्लास्टर्स का कैप्टन सहेल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पे कॉन्फिडेंस जगाते हुए अपने टीम के पास। सहेल जैसा एक कैप्टन को होना चाहिए, बेहतरीन सुपर टैकल वहां पे, बॉल पे टैकल किया, छीन लिया बॉल और चिप पास वहां पे, ह्यूमिलिएट करता हुआ कट्टी मानी को सहेल, ऊपर से चिप उठा दिया जिसके कारण यहाँ पे गोल आ चुका है पहला इस मैच का केरला ब्लास्टर्स के लिए और दो गोल का लीड। क्या यहाँ पे कोई बेहतरीन हिस्टोरिक कमबैक देखेंगे हम लोग हैदराबाद के तरफ से, यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के तरफ से क्या हम लोग को हिस्टोरिक कमबैक देखेंगे? जरूर फैंस चाहेंगे यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के का कि यहाँ पे जरूर जीतने की कोशिश करे हैदराबाद। शुरू करता हुआ मैच यहाँ पे 68 मिनट के अंदर अंदर स्कोर लाइन है हैदराबाद FC 3 केरला ब्लास्टर्स 1। दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार, यहाँ पर केरला ब्लास्टर्स को थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंस जगाते हुए सहेल कैप्टन, जैसे कि एक कैप्टन को होना चाहिए, गिब्सन सिंह से छीन लिया बॉल मोहम्मद यसीर ने, मोहम्मद यसीर का थ्रू पास शौविक चक्रवर्ती, लेकिन वहां पे निशु कुमार बॉल ले लेंगे सीधे प्रभु शुकन गिल, पास सहेल को, सहेल से छीन लिया बॉल यहाँ पे जाओ विक्टर और वहां पे एक फाउल जाओ विक्टर का सहेल के ऊपर, रेफरी ने तुरंत विसिल दिया। फ्री किक मिला है यहां पे जाओ विक्टर को, कैप्टन ऑफ हैदराबाद FC दूसरे कैप्टन के ऊपर फाउल करता हुआ, कैप्टन वर्सेस कैप्टन यहाँ पे एक राइवलरी दिखता हुआ यहाँ पे दोनों टीम्स के कैप्टन के तरफ से। सहेल का बेहतरीन पास ललथंगा से बेहतरीन पास, प्रशांत शॉट और प्रशांत का बेहतरीन गोल, दूसरा गोल आ चुका है यहाँ पे प्रशांत के लिए। ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया प्रशांत ने क्योंकि जानते हैं फाइनल मैच है और अभी भी एक गोल से पीछे है यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स और उनके टीम, जो प्रशांत जानते हैं, और यहाँ पे ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हुए लेकिन मैच पे वापसी आने का लक्षण यहाँ पे देखते हुए केरला ब्लास्टर्स के तरफ से अचानक से एक बेहतरीन तरक्की करता हुआ गेम प्ले पे कट्टी मनी को दूसरी बार बेहतरीन तरीके से बीट किया, पैर और हाथ के बीच में से निकाल दिया शॉट को प्रशांत और देखने लायक एक गोल यहाँ पे दागे है दूसरा गोल। सिर्फ एक गोल का डिफरेंस यहाँ पे केरला और हैदराबाद के बीच में, क्या यहाँ पे तीसरा गोल दाग पाएंगे हैदराबाद या केरला या यहाँ पे हैदराबाद चौथा गोल दाग के इस मैच को यहीं पे सील कर देंगे। जाओ विक्टर का थ्रू पास शौविक चक्रवर्ती के लिए, बॉल ले लिया बर्थलेमो को बेची लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, केरला के पास बॉल वापस। अगर हम लोग डिफेंस की बात करते हैं, ये दोनों टीम का डिफेंसिव लाइनअप की बात करते हैं तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ऑफ साइड थे प्रशांत, रेफरी ने तुरंत विसिल दिया है, हाँ जरूर यहाँ पे ऑफ साइड पर थे। जैसे कि मैं कह रहा था डिफेंडिंग का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोनों टीम दोनों फाइनलिस्ट के बीच में, तो सेव्स जो है केरला ब्लास्टर्स का प्रभु शुकन गिल 49 सेव्स दिए है इस सीजन पर और यहाँ पे 25 गोल कंसीव किया जिसके अंदर अंदर। और अगर मैं कट्टी मनी का बात करूंगा, कट्टी मनी द मेन मैन ऑफ हैदराबाद FC जिसके कारण यहाँ पे शायद आज है वो लोग फाइनल पर, वो मैन है कट्टी मनी जिन्होंने 61 सेव्स किए हैं इस सीजन में, सिर्फ 25 गोल्स खाए हैं, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कट्टी मनी का। प्रभु शुकन गिल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो बेहतर परफॉर्म किया है कट्टी मनी ने इस सीजन पर अपने टीम के लिए। और पूरा टीम का अगर हम लोग डिफेंडिंग का डिस्कस करें तो केरला जो है 68 ब्लॉक्स दाग पर है, टोटल क्लियरेंस है 400 टोटल क्लियरेंस जिसमें से 270 इंटरसेप्शंस और रिकवरीज जो बॉल रिकवरीज है वो है 1341, बेहतरीन स्टैट्स यहाँ पे केरला की तरफ से। और अगर हम लोग हैदराबाद का स्टैट्स इसमें से देखते हैं तो थोड़ा कम है यहाँ पे क्लियरेंस जो है, तुलना करते हैं हम लोग केरला के साथ तो 370 क्लियरेंस और 272 सब्सिट क्लियरेंस वहाँ पे, और रिकवरीज जैसे कि हम लोग कहते हैं अगर 1314 क्लियरेंसेस
और यहाँ पे शॉट लेने की प्रयास लॉन्ग रेंज और लेकिन नाकामयाब, ऑन टारगेट शॉट नहीं। और मैं यहाँ पे जरूर कहूँगा कि केरला ने दो रेड कार्ड्स और 47 येलो कार्ड्स खाए इस सीज़न पर, जहाँ पे हैदराबाद एफसी 39 येलो कार्ड्स और जीरो रेड कार्ड्स पे है। डिसिप्लिनरी में थोड़ा बेहतर हैदराबाद एफसी, क्या इस मैच में कुछ कर पाएंगे? ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स पूरी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे गोल दागने की, लेकिन हैदराबाद एफसी का डिफेंस तोड़ने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। कट्टीमणि का पास सीधे चिंगलेनसाना सिंह को, 80 मिनट का खेल हो चुका है समाप्त। यहाँ पे हैदराबाद एफसी 3 केरला ब्लास्टर्स 2, क्या ये 10 मिनट प्लस एडिट टाइम के अंदर अंदर आएगा? कोई अद्भुत गोल सहल का, वहां पे इंटरसेप्शन, बॉल चला जाएगा थ्रो इन, ले रहा है अनिकेत यादव हैदराबाद एफसी के लिए, पास करता हुआ सीधे एडू गार्सिया, बॉल को रिसीव करता हुआ वहां पे दोनों प्लेयर स्लाइडिंग टैकल करता हुआ, प्रशांत ने ले लिया बॉल, केरला ब्लास्टर्स ऑन द रन, सीधे थ्रू पास, ललथंगा क्या पहुंच पाएंगे? या खसक हमारा पहुंच गया है वहां पे पीछे, कट्टीमणि को बॉल देता हुआ, कट्टीमणि का थ्रू पास आशीष राय, आशीष राय अपने पास बॉल रखते हुए सीधा पास किया मोहम्मद यसीर, मोहम्मद यसीर का पास बार्थलेमो को बेचे, वहां पे बॉल लेता हुआ, बॉल पास करता हुआ एडू गार्सिया के पास, चांस है पीछे, मोहम्मद यसीर का क्रॉस, अनिकेत यादव का हेडर, लेकिन बहुत ही ऊपर से चला जाएगा गोल पोस्ट की, जिसके कारण गोल किक मिलेगा यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को। हम लोग अभी भी देख सकते हैं हैदराबाद एफसी जैसे ही आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ परेशानी, थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर रहे केरला ब्लास्टर्स के डिफेंसिव मिड हाफ पर, जो कि कहता है कि थोड़ा वीक है यहाँ पे हैदराबाद का डिफेंस के तुलना से अगर हम लोग करेंगे केरला का, तो थोड़ा वीक है केरला का डिफेंस। यहाँ पे बेहतरीन और टैकल, जाओ विक्टर, कैप्टन ऑफ हैदराबाद को दिया जाता है पहला येलो कार्ड इस मैच का, और जाओ विक्टर का ये बुरा टैकल था हरमनजोत खाबरा के ऊपर, बहुत ही लेट टैकल था, टर्न बहुत पहले कर चुके थे लेकिन बाद में आके स्लाइडिंग टैकल दिया, जिसके कारण पहला येलो कार्ड। नाखुश होंगे जाओ विक्टर, फ्रस्ट्रेटेड है, समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर फाउल करेंगे, येलो कार्ड करेंगे तो शायद यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नजारी को लाया गया जादव अनिकेत यादव की जगह पे, और जैसल कर्णारो की जगह पे निशु कुमार की जगह पे जैसल कर्णारो केरला ब्लास्टर्स के लिए आए हैं। बॉल ले लिया शौविक चक्रवर्ती, यहाँ पे थ्रू पास देता हुआ मोहम्मद यसीर के लिए, ले लिया बॉल वहाँ पे गिब्सन सिंह का पास, एनएस सिपोविच सीधे अल्वारो वास्क्वेज से ललथंगा से सहल का पास प्रशांत को ढूंढने की कोशिश, लेकिन कट्टीमणि पहले से मौजूद वहां पर, सीधा बॉल बोगतलेबू ओगोबेचे के पास, कट्टीमणि का पास था बेहतरीन वहां पे, पास नजारी का थ्रू पास बोगतलेबू ओगोबेचे, बॉल को रिसीव करेंगे लेकिन वहां पे फर्स्ट टाइम टच गलत, जिसके कारण ले लिया है संदीप सिंह, और पास यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स इन पोजीशन। अंतिम मोमेंट्स का मैच बाकी है, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का नॉर्मल टाइम, फिर एडिट टाइम, क्या यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स लास्ट मोमेंट पर कोई गोल दाग के एक्स्ट्रा टाइम पे ले जाएंगे ये मैच को, या हैदराबाद एफसी जीत जाएंगे यहाँ पे इस मैच को? बेहतरीन थ्रू पास एडू गार्सिया, ऑन द बॉल शॉट, और ये बेहतरीन सेव प्रभु शुकन गिल, केरला ब्लास्टर्स को मैच पे बरकरार रखते हुए, अभी भी बेहतरीन शॉट लिया था एडू गार्सिया ने, क्या लाजवाब शॉट था, ऑन टारगेट था, लास्ट मोमेंट पर हाई जंप देके ब्लॉक किया, डिफ्लेक्ट किया बॉल को प्रभु शुकन गिल ने, और कॉर्नर मिलता हुआ यहां पर, जाओ विक्टर वहां पे मौजूद, हेडर पास, और ये बेहतरीन शॉट लेने की प्रयास मोहम्मद यसीर द्वारा, लेकिन नाकामयाब रहे। देख लेंगे हम लोग दोबारा से रिप्ले, यहां पे बेहतरीन प्रयास था मैं कहूंगा मोहम्मद यसीर द्वारा, ऑडियंस से भी यहाँ पे तालियां सुनने को आ रहा है। 3 मिनट का एडिट टाइम, 90 मिनट का खेल हो चुका है समाप्त, हैदराबाद एफसी 3 केरला ब्लास्टर्स 2, क्या 3 मिनट के अंदर कोई अजूबा गोल दे पाएंगे यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स? पास करता हुआ प्रशांत का थ्रू पास के ललथंगा का पास यहाँ पे देता हुआ केपी राहुल आगे बढ़ने की प्रयास, क्रॉस सीधे कट्टीमणि, आज दिन शायद नहीं है, यहाँ पे लग रहा है मुझे कि केरला ब्लास्टर्स का सफर यही खत्म होता है, रनर्स अप बन के रहेंगे शायद इस सीजन पर। हैदराबाद एफसी 1 गोल का लीड पे, अभी 2 मिनट और कुछ सेकंड्स का मैच बाकी, पास करता हुआ गिब्सन सिंह का पास वहां पे आशीष राय, और यहाँ पे फाइनल विसल बज चुका है, केरला ब्लास्टर्स का सफर खत्म, हैदराबाद एफसी बहुत खुश
खुश नजर आते हुए यहाँ पे प्लेयर्स हम लोग देख सकते हैं। 3-2 गोल के लीड पे जीत चुके हैदराबाद केरला। यहाँ पे सारे प्लेयर्स बेहतरीन खुश। पहला हीरो इंडियन सुपर लीग टाइटल मिलता हुआ हैदराबाद एफसी को। और प्लेयर्स कट्टी मनी, सारे प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ, फैंस बहुत खुश यहाँ पे हैदराबाद का। इंडियन सुपर लीग विनर्स क्लास ऑफ 21-22 हैदराबाद एफसी। बेहतरीन यहाँ पे जो सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, खुश होंगे, जरूर खुश होंगे। हार्ड वर्क पेज ऑफ, क्योंकि हार नहीं माने, लास्ट मोमेंट तक डटे रहे हैदराबाद एफसी। जितना सारा हडल्स आए सारे पार किए। और यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद एफसी फॉर विनिंग द हीरो इंडियन सुपर लीग। हमारे नूब्स ऑफ ऑल टाइम की चैनल की तरफ से हम लोग दोनों टीम को ऑल द बेस्ट कहते हैं फाइनल मैच के लिए। हमारा प्रेडिक्शन गेम प्ले यही खत्म होता है। अगर सभी को आपका हमारा प्रेडिक्शन गेम प्ले पसंद होता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये फाइनल मैच। और आईएसएल खत्म होता है यहाँ पे, 26 तारीख से आईपीएल शुरू होगा। प्रेडिक्शन गेम प्ले, तब तक के लिए धन्यवाद।